गट्टू की नई वॉच। गट्टू को वॉचेस का बहुत शौक था और वो अक्सर पापा की वॉचेस पहनकर देखता था। एक दिन गट्टू ऐसे ही सुबह सुबह पापा की वॉच पहनकर खड़ा था। गट्टू बेटा, तुमने मेरी वॉच देखी है क्या? मुझे ऑफिस जाना है, मेरी वॉच कहीं नहीं दिख रही। हाँ पापा, ये रही आपकी वॉच, मैं पहन के देख रहा था। गट्टू बेटा, लगता है कि तुम्हें वॉचेस बहुत पसंद है। हाँ पापा, मुझे वॉच पहनना बहुत पसंद है। अच्छा बताओ गट्टू, तुम्हें किस तरह की वॉचेस पसंद है? गट्टू पापा को एक से बढ़कर एक वॉचेस मॉडल्स के नाम बताता है और उसकी वॉचेस को लेकर इतनी अच्छी नॉलेज को देखकर पापा हैरान रह जाते हैं। ठीक है गट्टू, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक नई वॉच दिलाऊंगा। गट्टू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पापा अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन गट्टू इस खबर को सुनकर इतना खुश था कि वो सारे दिन एक्साइटेड रहता है। वो जल्दी से मम्मी और चिंकी को ये गुड न्यूज सुनाता है कि उसे एक नई वॉच मिलने वाली है। अरे वाह गट्टू, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आखिर कौन सी वॉच लेनी है? अरे नहीं मम्मी, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। तो गट्टू तुम जल्दी से सोच लो, क्योंकि शाम को तो तुम और पापा तुम्हारी वॉच लेने जाओगे ना। फिर गट्टू काम पे लग जाता है और तरह तरह की वॉचेस देखता है। इतना ही नहीं, वो अपने कई दोस्तों से भी पूछता है कि उसे कौन सी वॉच लेनी चाहिए। लेकिन शाम हो जाती है और अब तक गट्टू डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे कौन सी वॉच लेनी है। फिर पापा भी आ जाते हैं। गट्टू बेटा, तो चले तुम्हारी नई वॉच लेने? पर पापा, मैं तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कौन सी वॉच लेनी है। अरे तो क्या हुआ गट्टू बेटा, चलो चलकर शॉप पर ही डिसाइड कर लेना। अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर गट्टू और पापा साथ में शॉप जाते हैं और वहाँ दोनों तरह तरह की वॉचेस देखते हैं। गट्टू ये देखो, ये वाली वॉच कैसी है, इसका डायल कितना अच्छा है ना? पापा, इसका डायल तो बहुत अच्छा है, पर इसका स्ट्रैप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा तो ये वाली देखो। पापा, इसका कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। एक घंटा बीत जाता है पर गट्टू और पापा अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें कौन सी वॉच लेनी है। गट्टू बेटा, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम अभी तक अपनी वॉच नहीं सेलेक्ट कर पाए? नहीं पापा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गट्टू और पापा दोनों परेशान हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आता है और उनकी सारी परेशानी सुनता है। सर, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी शॉप पे एक लकी ड्रॉ हो रहा है, आप एक बार उसको ट्राई करिए और शायद उसमें आपको आपकी पसंद की वॉच मिल जाए। पापा और गट्टू को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों लकी ड्रॉ खेलते हैं। चलो गट्टू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। गट्टू लकी ड्रॉ में एक बहुत अच्छी वॉच जीत जाता है और उसे उस वॉच पे 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है और गट्टू को वो वॉच बहुत पसंद आती है। गट्टू बेटा, तुम्हें ये वॉच पसंद आ गई है ना? हाँ पापा, इस वॉच का कलर, डायल, स्ट्रैप सब कुछ एकदम परफेक्ट है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। फिर पापा और गट्टू वॉच लेकर घर जाते हैं और गट्टू चिंकी और मम्मी को खुशी खुशी अपनी वॉच दिखाता है। उसके बाद गट्टू तुरंत भागकर अपने कॉलोनी के दोस्तों को अपनी वॉच दिखाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ जाता है। चिंकी, मुझे तो अपनी वॉच की बहुत चिंता हो रही है। क्यों गट्टू, क्या हुआ? अरे चिंकी, मैं अपनी वॉच को बहुत संभाल कर रखना चाहता हूँ, कहीं इस पे कोई स्क्रैच ना आ जाए। गट्टू, फिर तुम एक काम करो, तुम एक छोटा सा बॉक्स तैयार करो ताकि जब तुम इस वॉच को ना पहनो तब तुम इसको संभाल के रख सको। हाँ चिंकी, ये अच्छा आइडिया है। फिर गट्टू कार्डबोर्ड से एक छोटा सा बॉक्स बनाता है और उसमें कॉटन भर के रखता है। फिर बहुत संभाल के अपनी वॉच को उसमें रखता है। फिर उस बॉक्स को संभाल कर कबर्ड में रख देता है। अरे गट्टू बेटा, ये तुमने अपनी वॉच को इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों रखा हुआ है? मम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वॉच को कोई भी स्क्रैच आए, इसीलिए मैंने उसे संभाल कर रखा है। मम्मी गट्टू की बात सुनकर हंस देती है और फिर अपने काम करने चली जाती है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गट्टू अपनी नई वॉच को पहनता कम था और उसका ख्याल ज्यादा रखता था। पापा को गट्टू का ऐसा करना सही नहीं लगा। एक दिन वो गट्टू को टोक देते हैं। गट्टू बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी नई वॉच को पहनते कम हो और उसे संभाल कर ज्यादा रखते हो, ऐसा करना सही नहीं है। क्यों पापा,
मुझे मेरी वॉच की चिंता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे संभाल के रखता हूँ। अरे पर गट्टू, अगर तुम उसे पहनोगे ही नहीं तो हमारा वॉच लेने का फायदा ही क्या हुआ? तुम्हें याद है चिंकी का जब नया डॉक्टर सेट आया था तब उसने उन्हें संभाल के रख दिया था, यूज ही नहीं किया था तब वो रखे रखे ही खराब हो गया था क्योंकि उसमें जंग लग गई थी। हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ गट्टू बेटा, पापा की बात मान लो, तुम अपनी वॉच को अच्छे से पहनो और जब उसमें कुछ भी दिक्कत होगी तब हम उसे ठीक करा देंगे। इस तरह से उसे रखो मत, बस उसे ध्यान से पहनो। ठीक है मम्मी, मैं अब से अपनी वॉच को रोज पहनूंगा और साथ में ध्यान भी रखूंगा कि वो खराब ना हो। इसके बाद गट्टू अपनी प्यारी वॉच डेली पहनने लगता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।